टोटल 4000 का पूरा सेटअप है बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। एक और नया सेटअप के साथ में मिल रहा है और ये सेटअप वैसा है ना, जब आदमी ना स्टार्ट करता है, ये नहीं कि मतलब जो अभी तक फर्नीचर वगैरह आप देखते हो ना, वो तो बाद में आदमी अपग्रेड कर लेता है। यूनिक सेटअप है। हाँ, ये सबसे यूनिक है, यूनिक बोल सकते हैं, क्योंकि आदमी जब शुरू करता है ना तो ऐसे ही सेटअप पे रहता है। तो उसको करने से पहले क्या क्या इशू आते हैं और क्या मजे करता है आदमी, कितना परेशान होता है, सारी चीजें मिलेगी। तो चलते हैं भैया के पास, मिलते हैं और थोड़ा जानते हैं कि उन्होंने सेटअप को कब रेडी किया और कितना एंजॉय कर रहे हैं आज। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। हेलो मैम। हेलो, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। तो पहले आप मुझे बताएं चैनल का नाम आपका। चैनल का नाम है हील्स ऑन रील्स। हमने बहुत बड़ा बड़ा प्रमोशन किया है क्योंकि हम चाहते थे। जरूरी है, ये जरूरी है। तो वैसे हम बहुत घूमते हैं, हर वीकेंड पे ही निकल जाते हैं। और हम उत्तराखंड से ही, रुद्रपुर से, तो हम उत्तराखंड ज़्यादा घूमते हैं। अभी हिमाचल भी कवर किया था, लेकिन कैंपिंग पहली बार है और सबसे सस्ती कैंपिंग है, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ हमारी, क्योंकि सब कुछ हमने चीप ही लिया, क्योंकि हमें पता नहीं था आगे हम कैंपिंग करेंगे नहीं करेंगे, तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं था। अभी बेसिक सेटअप बनाया है, 400 की टाप है ओनली, ठीक है, 1000 रुपीज का टेंट है स्ट्रॉस का, दो लोगों के लिए इनफ है। थोड़ी सी इसकी लेंथ कम लगी मुझे, क्योंकि अगर पिलो लगाएंगे थोड़ा सा गैप वहाँ भी चाहिए। बिल्कुल, तो लेंथ कम है, 6 फीट है वैसे ये लेंथ, ठीक है। तो और सबसे महंगा हमारा वो है टॉयलेट नहीं, ये महंगा ही होता है, ये सबसे महंगा है, ये महंगा ही होता है, 1400 का है। और इसमें हाँ, फ्लिपकार्ट का सब सामान है, फ्लिपकार्ट का 5% एक्सिस बैंक का कार्ड भी लगा है, तो वो अलग डिस्काउंट है। 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ की ये है हमारी, ये करने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये भी अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 200 की है, तो आपको देखना चाहिए ऑफलाइन का सस्ता है। ओके, बाकी हमारा सिर्फ बचा एक वो गैस चूल्हा 1000 रुपीज में, 4 ब्यूटेन सिलेंडर और 1 वो चूल्हा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा है बस, और कुछ भी परचेज नहीं किया है, सब कुछ घर से बनाया। एक मूड़ा है वो एक सेटिंग का मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है, क्योंकि दो थे वो भूल गया मैं, एक वो भी लैपटॉप टेबल है बेड वाली, एक और लैपटॉप टेबल है हमारे पास, सब घर में यूज हो रहा है। पिलो और दो मैट्रेस वगैरह है, ब्लैंकेट, सब घर में यूज हो रहा है, घर में यूज हो रहा है। कुछ भी यूज ऐसा परचेज नहीं किया जो सिर्फ यहाँ के लिए परचेज किया, ठीक है। बर्तन सारे घर के, ये भी घर का है, बाल्टी मग्गा भी घर का है नहीं आपके बिना तो फिर कुछ भी नहीं है फिर तो ये अच्छा, सोने की आपने सोने का कहाँ पे कर रहा है? एक तो यहाँ बाहर किया ही है, अगर लंबे रूट पे रहते हो ट्रेवलिंग पे तो उस टाइम पे क्या करते हो? नहीं किया है, बट मुझे गाड़ी के अंदर वाला ज्यादा सेफ लगता है, वो बहुत अच्छा है। तो मैं रूफ टॉप का नहीं करूंगा, गाड़ी के अंदर वाला ही बनाऊंगा, अगर सेफ भी है सबसे अच्छा भी है, और वो ना साउंड प्रूफ है। यहाँ ना आवाजें, बहुत सारी गाड़ियां तो आवाजें आ रही है, तो कल नींद नहीं हो पाई होगी, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा था कि जैसे ओस आ रही थी तो हमारा थोड़ा बाहर को था, तो ओस आ रही थी यहाँ से थोड़ा गीला हो गया था, लेकिन अब रात को हम इसको अंदर को लगा लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या होगा, पूरा टॉप से जो ओस आएगी वो उससे बच जाएंगे हम, अच्छी नींद आएगी होपफुली। तो यही है हमारा सेटअप, बाकी तो सीख रहे हैं आप लोगों से सब, मतलब इन शॉर्ट चीप एंड बेस्ट। अगर भाई सच बताया ना तो रियलिटी में आदमी स्टार्ट इसी से करता है, और मेरे हिसाब से 2 दिन के लिए हम जो आए हैं इनफ है, बहुत है ये, बहुत इतना होना चाहिए। कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि हमें जाना पड़ जाए घर या होटल खरीदना पड़ जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आगे है क्या सोचा आपने, मतलब रहना है कम्युनिटी में या साइड करना है? मतलब मैं ऐसा नहीं कि पूरा ही कैंपिंग में अपना चैनल कन्वर्ट कर दूंगा, ये महीने 2 महीने में एक आध वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ऑडियंस बिल्डअप होगी उस हिसाब से फिर हम वीडियो बनाएंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना अभी से है, और आप अगर लगातार बनाओ वीडियो जरूर आएगी ऑडियंस आपके पास में। थैंक यू, आपने अपना रिव्यू वीडियो दिया इसके लिए। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम कोई भी सेटअप लेके स्टार्ट करते हैं तो ऐसे होता है, मेरा भी ऐसे ही है, धीरे धीरे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना बाहर निकलते तो हमको डर लगता है कि यार कुछ जानवर ना काट ले या कुछ आ ना जाए या अनसेफ ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। रियलिटी में कई लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार ये, मतलब जैसे कमेंट मुझे मिलते हैं कि हाँ यार इसमें बहुत इन्वेस्ट लगता है, तो एक बार मैं इन्वेस्ट जानना चाहूंगा भैया से कि इन्वेस्ट टोटल कितना लगा? टोटल 4000 का पूरा सेटअप है। बस 4000 का बताया ना, 1400 प्लस 400 1800 और 1000 रुपीस कितना हो गया, 28000 का वो है हमारा, 38, और मैंने वो खुरपी ली है और कुछ 400-150 का लिया होगा बस। कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर से, सही है, रुद्रपुर हल्द्वानी से। नहीं, आपने खुरपी बोला ना, ज्यादातर वो यूपी में यूज करते हैं खुरपी है। वो एक्चुअली रामपुर बरेली रुद्रपुर सब पहले से हाँ यूपी, हाँ उत्तराखंड हो गया, हाँ बिल्कुल।
गया, बस और कुछ नहीं खरीदा, बाकी हमने कोई और एक्स्ट्रा कुछ खरीदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ग्रो करो। बस सब घर से लाया, कैंपर, कुकर, मोड़ा, हमारे भी सेम है, सबका ऐसे ही रहता है। जो घर पे है अवेलेबल, मैंने कहा पहले देखेंगे किसका कैसा, उसमें से एक आउटकम निकालेंगे तो बनाएंगे। अभी हमारा भी ऐसा ही है, फैला ही रहता है। तो एक मूड़ा और था हमारे पास, लेकिन भूल गए हम। बट हाँ देखो, अगर बैठने का आपको ऐसा नहीं कि चेयर आपके पास है तभी आप बैठ सकते हो, बिल्कुल ये बनाया, ये इसको मैं यहाँ रख दूंगा और ये बैक यहाँ पे लगाने के लिए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉपर चेयर चाहिए। बिल्कुल, कैंपिंग का मतलब ही क्या होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों में बेस्ट करना बस। अब जैसे हमारी जो नेल्स थी वाली, ये सस्ता सामान है तो पतली नेल्स थी, वो मुड़ जा रही थी क्योंकि यहाँ पत्थर है, हमने फिर इधर उधर से बांध दिया। हाँ बिल्कुल, चलिए आपसे फिर मिलनी है, मिलना होगा अपना जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम ड्रीम वे है।